मप्र कर्मचारी बड़ी खबर, रिटायरमेंट उम्र पदोन्नति पर संविदा कर्मी नियमितीकरण। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश भर में बुधवार को ज्ञापन दिए गए। राजधानी में सभी कर्मचारी सतपुड़ा भवन के समीप एकत्रित हुए, जहां समिति चेयरमैन की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन बहाल होना चाहिए, शेष 11% महंगाई भत्ते का एरिया भुगतान हो। कर्मचारी सतपुड़ा भवन के समीप एकत्रित हुए, जहां समिति चेयरमैन की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन बहाल होना चाहिए, शेष 11% महंगाई भत्ते का एरिया भुगतान हो। पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, स्थायी कर्मियों को नियमित सुविधाएं प्रदान की जाए, 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले साक्षी सेवकों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम का लाभ नहीं दिया जा रहा है, नगरीय निकायों के विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, अतिथि विद्वानों का भी नियमितीकरण होना चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली भी होना चाहिए, शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 62-65 वर्ष तथा चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ का सेवानिवृत्ति आयु 68 साल तथा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए, लिपिकों को 1000 कंप्यूटर भत्ता दिया जाए, भरित्य का पदनाम परिवर्तित हो। प्रशासनिक अधिकरण के गठन की मांग सालों से लंबित है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस के समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जबकि वह लगातार अपनी सेवाएं जंगल की सुरक्षा में दे रहे हैं। जिला शाखा अध्यक्ष भानु प्रकाश तिवारी का कहना है कि इन तमाम मांगों को लेकर सतपुड़ा भवन के सामने कर्मचारी एकजुट हुए और शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।